बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ल ज़ास्त यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको श्रीनगर हाईवे महफूज शहीद इंटरचेंज, 7th एवेन्यू इंटरचेंज भी जिसे कहा जाता है, और फिर आगे ब्लू एरिया तक हम आपको ले कर चलेंगे। इस्लामाबाद सिटी का खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो का जो आगाज़ है वो सरीना होटल के करीब से ही किया गया और अख्ताम भी ब्लू एरिया में ही जाके होगा। ब्लू एरिया की जो रोड है, यहाँ पर जो पिछले महीने कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी वजह से सड़कें माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ कर दी गई और लैंड मार्किंग जो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर की गई, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की खूबसूरती में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अल्लाह करे वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका कोई अच्छा इम्पेक्ट ही पाकिस्तान पर पड़े और सिर्फ जो है हुक्मरान ही अपने जेबें ना भरें, आवाम तक भी रिलीफ पहुँचे। अभी ये जो ग्रीनरी वाला एरिया नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, हर तरफ फ़िलहाल जो है ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी। फ़िल्टर भी थोड़े बहुत मैं लगाता ही हूँ वीडियो में, लेकिन ये होता है कि कुछ अभी तक ग्रीनरी इस्लामाबाद में कायम है, क्योंकि पानी ज़मीनी जो है वो काफ़ी माशाल्लाह से यहाँ पर ऊपर है। अभी जो हम ये पहुँच चुके हैं दरबार, यहाँ पर होता था, इसी वजह से यहाँ पर एक टर्न भी है और इसी टर्न को क्रॉस करते ही आगे महफूज शहीद इंटरचेंज आ चुका है। शकरपुरिया की तरफ जाने के लिए आप इसी रोड को यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कुछ आपको ये मॉडल्स बने नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी खूबसूरत अभी ये बनाए गए हैं श्रीनगर हाईवे के आसपास। तो यहाँ पर शकरपुरिया की तरफ जाने के लिए भी आप लेफ़्ट साइड पे हो सकते हैं, और ये जो इंटरचेंज है दमनेको की तरफ जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 7th एवेन्यू है, इसके बाद आ जाता है 8th एवेन्यू जो कि फैसल एवेन्यू है, 9th एवेन्यू आगे श्रीनगर हाईवे वाला जो इंटरचेंज पेशावर मोड़ वाला वो सबसे खूबसूरत इंटरचेंज है, और 10th एवेन्यू जो है उस पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है। ये इंटरचेंज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। श्रीनगर हाईवे पे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश बना होता था, सिग्नल्स होते थे, फिर वो ख़त्म किए गए और यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाई गई। तो खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो 9th एवेन्यू वाली जो इंटरचेंज है पेशावर मोड़ वाली वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस्लामाबाद में। यहाँ पर भी आपको जो ग्रीनरी है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ही नज़र आ रही है, और मरी की तरफ आपने अगर जाना हो तो आप यहाँ से लेफ़्ट होके उतर सकते हैं और दोबारा श्रीनगर हाईवे पे होके मरी की तरफ जा सकते हैं। जो ट्रैफिक आ रही है शकरपुरिया वाली साइड से वो जो है मरी रोड की तरफ से भी आने वाली वो सीधी आगे जा सकती है। साइडों के ऊपर आपको ये ग्रिल्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं, तो ये अमूमन जो है इसी हिसाब से ही लगाई गई हैं। दरख्तों की हिफाजत भी की जाती है, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ भी आ जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर जिनको साइडों के ऊपर जो है हिफाजती दीवारें वगैरह लगाई जाती हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस आपको जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं, ये सामने भी आपने भी देखा है, लोगों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं लेकिन लोग जो है कम ही इनको इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर आपको मोटरसाइकिल वाले हज़रात ही पार होते नज़र आएंगे। आगे चल के एक और पुल आपको नज़र आएगा, इस पुल को कोई ख़ास जो है वो साफ़ नहीं किया गया, कोई इसका पेंट शेंट नहीं हुआ, बाकी तो ज़्यादातर जो इस्लामाबाद के अंदरूनी खाना पुल थे उनको काफ़ी मेंटेनेंस की गई, रिपेयर किए गए, उनकी तज़ीनो आराइश की गई, लेकिन ये वाला जो है कोई नहीं किया गया, पता नहीं क्या वजह है, शायद जो कॉन्फ्रेंस थी उन लोगों ने इधर नहीं आना था, ये छोड़ दिया गया। अभी जो मेन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में लगे हैं सरीना चौक अंडर पास और जिन्ना एवेन्यू 9th एवेन्यू इंटरचेंज, उस पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, इंशाल्लाह उनकी आपको ड्रोन फुटेजेस भी जल्दी मिलेंगी। बाकी आज की वीडियो में आपको इस्लामाबाद का खूबसूरत सा व्यू ही कराना था,
मौसम बना हुआ था बारिश का, कोई धूप भी आजकल कम ही है इधर, लेकिन बारिश का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। तो अल्लाह करे जल्द से जल्द बारिश हो, अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाएं, ताकि जो बारिश की वजह से बीमारियां हो रही हैं वो कम से कम ख़त्म हों या फिर कम हों, और लोगों को काफ़ी उससे परेशानी होती है। फसलें भी काश्त हुई हुई हैं और इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अभी 7th एवेन्यू से हम ब्लू एरिया की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर रोड भी कुछ पोर्शन से थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन सुकून की ड्राइविंग है इस्लामाबाद में, अलग ही मज़ा आ जाता है यहाँ पर ड्राइव करते हुए। सुबह सुबह का टाइम है, कोई ख़ास ट्रैफिक भी नहीं है और शॉप्स वगैरह मुकम्मल तौर पे बंद है। 11-12 बजे जो है मार्केट्स ओपन होंगी। अभी जिस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं ये सीधी जो है आगे जाके कनेक्ट हो जाती है इस्लामाबाद हाईवे पे, तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।